शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के तहत नई प्राथमिक विद्यालय में खेलने के लिए मैदान की व्यवस्था करना आवश्यक है, लेकिन इस विद्यालय में शिक्षा अधिकार कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। नई प्राथमिक विद्यालय में राजपुर में छरदीवाली के अंदर ही गड्ढा रहने से उसमें 8 माह तक तो पानी जमा रहता है, बाकी जो जगह है बहुत खाल ऊंचा है, जिसमें संदीप कुमार ने गिर गया। गिर जाने से उसके हाथ में चोट लग गई। गाँव के लोगों ने यह गड्ढा भरवाने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया। हमारे स्कूल में खेलने कूदने का दिक्कत है, इसमें गड्ढा है बहुत दिन का है, उसी में पानी समा जाते हैं और बहुत लड़के को चोट लग जाते हैं और स्कूल में पानी स्कूल में जाने के लिए अतिरिक्त हो जाते हैं, दिक्कत हो जाते हैं। हमारे हाथ में चोट लग गए हैं, उसी दवाई खाते हैं, दवाई के लिए नहीं ठीक होते हैं। और जहाँ तक बात है इस विद्यालय में एक चीज़ की समस्या है कि यहाँ फील्ड नहीं है, थोड़ा बहुत ज़मीन भी है तो आप देख ही रहे हैं वो गड्ढा है। यहाँ लगभग 8 महीने पानी जमा रहता है हमेशा, इसके वजह से बच्चों की ज़्यादातर खेलते हुए गिर जाते हैं, दौड़ते हुए कभी कभी फिसल भी जाते हैं, उनको चोटें लगती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको इस गड्ढे को यदि भरवा दिया जाए तो कुछ बच्चों के खेलने के लिए जगह जो है वो हो जाएगी। हमारे गांव के स्कूल में दिक्कत है कि स्कूल के कैंपस में 8 महीना पानी जमा रहता है, जिससे बच्चों को खेलने कूदने में बहुत सी परेशानियां होती हैं, तो बच्चे गिर भी जाते हैं और खेल कूद भी नहीं पाते हैं, उसमें बहुत सा कीचड़ उस पानी के चलते गंदा हो जाता है, जो अतिक्रमण का भी गलत प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, वहाँ भोजन भी बनता है, खाने पीने में भी दिक्कत होती है। मच्छर भी हो जाते हैं, जिनके चलते बच्चों के बीमार पड़ने की आशंका ज़्यादा बनी रहती है।